फुल मुस्तफा स्टाइल के अंदर आज हमने कोशिश की है कि हम तैयार करें, सालन डालेंगे उसके ऊपर से तरी और फिर बोटी और फिर नली। और ये देखें आप पीछे पीछे फिर आज कल डंटा निका बोल वाला थे। मेरी गाड़ी चोरी हो रही। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बड़ा दिन है और बड़े दिन के लिए बड़े का गोश्त बनेगा। वी आर गोना मेक बीफ निहारी। सही है, गोश्त काफ़ी सारा है, हाथ मेरे गंदे हैं, कैमरा मैन है नहीं कोई, तो इस वक्त मैं इतना ज़्यादा वो करूँगा नहीं। बट आप ये देख सकते हैं कि मैं पानी में ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग गोश्त को पहले बॉयल कर लेंगे। बचपन में हम सुनते थे कि रोशन आगा होता है मंगल वाले दिन, और आज तुम बड़े का गोश्त ला रहे हो। मंगल है तो रोशन आगा है, रोशन आगा होता था ना उस दिन, कसाई चौकी करते थे। वो मंडे का दिन होता था, ट्यूसडे थोड़ी नाई का होता है, मंडे नाई का होता है, मंडे नाई का होता है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से एक एक दिन चूज क्यों किया हुआ काशी भाई, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं तो खुद तुम्हारे आसपास का ही हूँ। मैं खुद तुम्हारे आसपास का ही हूँ काशी भाई, बिल्कुल हक परस्त की और सच्ची बात कर रहे हैं कि मेरे आसपास के ही हैं। और यार मैं आपको कटिंग करते हुए भी दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा फोन गंदा होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अभी पीस चेक करें। मीट वाग्यू से क्लोज क्लोज है, लेकिन इसको कहते हैं सिल्वर साइड रोस्ट, रियली गुड। बॉयल करने के लिए ऐसा कुछ सीन चल रहा है, वापस मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डर तो अच्छा ही है ना, रमजान में काम आ जाएगी नाश्तेहरी में। रमजान की भी तो फ्रीज होके रखी जा सकती है, तो ये आप लोग अपने घर के अंदर भी बना के रमजान के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं। सुबह सहरी के अंदर बनाने का टाइम नहीं हो, गरम किया, दो पराठे गरम किए, चल मेरा भाई। But I want to say one thing. जी। हैरान होता हूँ, सरप्राइज के लोग सर निहारी पाए हलीम भाई है भी चीज। मैं तो सहरी करता ही नहीं हूँ काशी भाई, मैं आपको ऐसी दुनिया का ही बता रहा हूँ जो दुनिया पसंद करती है। मैंने भी कभी जिंदगी, आपको तो पता ही है मैं दूध के साथ मेरा रिश्ता, मैं खजला पीने वाला बंदा नहीं हूं, मुझे तो शुरू से पसंद था सहरी दही पराठा। जैसे होता है कभी आमलेट के साथ पराठा खा लिया, इस तरह से सहरी होती है। इतनी है भी सहरिया नहीं है, मैं 2 साल पहले रमजान में था, पाकिस्तान गया हुआ था। काशी भाई इसका ढक्कन पूरा है? सही है। हाँ, 2 साल पहले आप पाकिस्तान गए हुए थे? 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे हमारे बहन भाई सहरियों की दावत पे लेके जा रहे थे, और जानने वाले सब सहरी की दावत पे लेके जा रहे थे ना। तो जब सहरी की दावत पे जाते थे वहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं, मुझे लगता था पूरा कराची में कुछ ट्रेंड आ रहा है सहरी बाहर करनी है, तो लोग जो ऑर्डर कर रहे होते थे निहारी हलीम पाए मजेदार हलीम खुली हुई सहरी में, मजेदार स्टूडेंट बिरयानी सहरी में खुली हुई है, फज्जा के पाए खुले हुए हैं भाई, कैसे लोग खाते हैं काशी भाई? मैं भी नहीं कर रहा, हम जाके वहां पे ऑर्डर कर रहे होते थे के भाई, वो मुझे बोलते थे ऑर्डर कर दो अपनी मर्जी का, मैं बोलता था यार चाय और साथ में आमलेट होते थे, क्या कोई कढ़ाई ऑर्डर करो, कोई पाए ऑर्डर करो, मैं कहता था व्हाट। पाकिस्तान के अंदर खाने पीने का बहुत अच्छा हाई ट्रेंड है वैसे ना, और हर कोई इतना वो होता नहीं है वैसे। अच्छा वो जमाने चले गए कि सिर्फ जो है ना अपर क्लास सोचते थे बाहर जाने का, भाई मिडिल क्लास लोग भी बाहर, लोअर मिडिल क्लास में मैं कहूंगा बाहर सहरी कर रहे हैं ना। आप फैमिली से बाहर देखो, ये नहीं कि सिर्फ लड़का लड़की कोई डेटिंग चल रही सहरी पे, नहीं भाई फैमिलीज बैठी हुई है बाकायदा, दादी लड़की नानी बड़े अब्बा जी सब बैठे हैं, सुजुकी भर के आए होते हैं काशी भाई। एक्स जो बंदा है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है उसका किस्सा तो सुना दे। नहीं मतलब वो मैं काट दूंगा राशि भाई, जो एक्स एक बंदा है उसकी आप कहानी सुना दें प्लीज जरा, कि क्या हुआ है उस एक्स के साथ मेलबर्न के अंदर उबर ईट्स करते हुए। कल रात को जब मैं बैठा हुआ था तो अचानक मुझे कॉल मौसूल होती है, कॉल के ऊपर मैं नाम पढ़ता हूँ ब्रदर एक्स का, ब्रदर एक्स का नाम उस वक्त कॉल आना थोड़ा सा गैर मामूली था, घबरा जाता हूँ।
रात के 1:30 बजे मैं घबराई हुई हालत में जब वो फ़ोन उठा के अपने कान के पास ले जा के लगाता हूँ तो जो आवाज़ आगे से आती है ओए 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 है, मैंने इसको बोला पराठा बहुत मजे का था, ये बोला जो आवाज़ आगे से आके टॉशी भाई आप कहाँ हैं? मैंने तो भाई मैं तो घर पे हूँ, तुम क्या हुआ खरीदे कॉल तुम्हारी आई, तुम बताओ तुम खरीदे? हाँ मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अल्लाह बेचारी की हालत, और वो बेचारा यकीन माने उस गाड़ी से इतनी उम्मीदें लगाए हुए तो बंदा एक्स गाड़ी से नहीं पड़े तो हर किसी को मौत होती है। जैसे ब्रदर को अपनी गाड़ी से मौका था, लोगों ने देखा है अपनी गाड़ी से बहुत मौत होती है, बहुत सारे लोगों को मुझे भी बहुत है। मुझे काशी भाई इज समथिंग इज आगे स्वाद सामान निकाल रहे हैं, सामान निकाल के क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करनी है, होल सोल शेफ जो है इसके आज के दावत के अली हैं और बल्कि होस्ट भी हैं, सिर्फ शेफ क्या है होस्ट भी हैं। तो ये है स्पेशल मसाला का, इसको सुन के देखेंगे स्पेशल मसाला है या मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, मेरा मसला ये है मुझे मसाले से और हाई स्मेल किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो ऑयल लाइक पेट्रोल की हाई स्मेल हो या कुछ लोग पॉलिश कर रहे होते हैं आपने देखा होगा वुडन पॉलिश, मतलब हाई स्मेल फूड की हो, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, आई स्टार्ट लाइक स्नीज। अजय मेरा फोन चोरी हो गया, क्या नंबर है कॉल मिला? 0498 मेरे पास है ना, कहाँ से मिला? What? तो इस तरीके के कुछ हालात हैं कि बीफ थोड़ा सा वाइट हो जाए फिर उसके बाद बस इंशाल्लाह ताला इसका पानी सारा निकालेंगे और फिर तेल में और फिर प्याज में खलास। शकलाका बेबी ड्रिंक्स आर रेडी एंड लोडेड। और ये देखें आप पीछे क्यों चुप रहे? आज कल डंटा निका बोल वाला है। बिग बॉस 17 के एंडी, ये कौन है एंटी मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखाऊंगा काशिफा, अगर आपने उस बंदे को देख लिया ना आप फैन हो जाएंगे उसके। तो की क्यों बोला, का बोलो ना, अरे बंदा है तो बंदा ही, का ही बोला मैंने, की बोला तुम? नहीं नहीं मैंने कोई, मैं क्यों की बोलूंगा, तुमने बोला बिग बॉस की एंडी, 7 की एंडी बोला तो इट्स मीन वो फीमेल है, 7 का एंडी, 7 का एंडी देखें, सॉरी मेरे आपको बताया वो इतनी तुम्हारी जुबान स्लिप हो रही, मेरी जुबान का स्लिप ऑफ टंग हो गया। यस तो ये है बोन मैरो और सारा बोन्स, लेकिन आपके पास है फिर अभी कोई क्या? नहीं है, फिर तो मैं हसन से पूछता हूँ। ये नल्ली और यहाँ तक पहुँची है अभी हमारी निहारी, बोन्स हमने निकाल दिए हाफ डन करके, लाइक 70% करके, आप देख सकते हैं नल्ली अब फुल लोडेड है, निहारी की रिपोर्ट जो है वो अभी हो रही है, चल रही है। तो कहानी अभी यहाँ तक पहुँची है, बोटियाँ माशाल्लाह हमारी हो गई हैं, हमने निकाल लिया उसको बाहर, उसके अलावा बाकी निहारी की जो कंसिस्टेंसी है उसके लिए हमने थोड़े पापड़ बेले हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पे हुई है, इसको हम 2 घंटे एटलीस्ट हल्की आँच पे होने देंगे ताकि पानी और मैदा और कॉर्नफ्लोर वगैरह सब मिक्स हो जाए अच्छे से। एंड इतनी देर के अंदर सब्जियों की कटिंग चल रही है थोड़ी सी। ये हसन है हमारे, हनु आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। क्या थैंक यू, इधर देख के कुछ कहें, क्या आप अपने किसी अजीज अपने प्यार करने वाले को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? जल्दी आ जाओ। ओ तेरी खैर आशिक। तो कंसिस्टेंसी निहारी की जो है वो रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और बाकी इसके अलावा तरी हमारी रेडी हो रही है, ये है हमारे सारे पाए जिनमें से नली जिसमें से गूदा निकलेगा, और ये है हमारी जूसी बोटियां जो कि रेडी हैं फुल मुस्तफा स्टाइल के अंदर। आज हमने कोशिश की है कि हम तैयार करें सालन डालेंगे उसके ऊपर से तरी और फिर बोटी और फिर नली। सारे बॉयज यहाँ पहुंच चुके हैं, ये हमारे अम्माद भाई हैं, हमारे शाहिद भाई हैं, हमारे काशिफ भाई को तो आप सब जानते ही होंगे, ये हमारे जोहेब भाई हैं और ये हमारे शाह भाई। तो हम तड़का लगाने लगे हैं अभी, थोड़ा सा हाथ जल गया है, चीजें रेडी हैं हमारी ऑलमोस्ट, बस अभी इसके अंदर जाएगा सीन ऑन है। फिर तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तखान लग चुका है, बस दो तीन और लोगों का वेट है, आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बन चुकी है, अब पता लगेगा टेस्ट का। अनु जाके बैठो यार, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एंड दिस वाज द कॉफी तिरामिसू व्हिच वाज अमेजिंग एज वेल। प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।